आज की वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कैसे आप किसी भी वाहन के रजिस्ट्रेशन नंबर से उसकी सारी डिटेल्स निकाल सकते हो। जी हाँ दोस्तों, आप उसके ओनर का नाम मालूम कर सकते हो, गाड़ी कहाँ से पास है यह भी मालूम कर सकते हो, कौन सी गाड़ी है ये सब जानकारी आप अपने फ़ोन से निकाल सकते हो। इस तरह की जानकारी निकालने के लिए आप किसी से पुरानी गाड़ी खरीद रहे हो या फिर कहीं पे किसी गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है तो उस कंडीशन में भी आप इस ट्रिक का यूज़ करके आसानी से उसके मालिक का पता लगा सकते हो। तो दोस्तों वीडियो में अंत तक बने रहिए, चलिए शुरू करते हैं। तो इसके लिए आपको एक एप्लीकेशन को अपने फ़ोन में डाउनलोड कर लेना है, एम परिवहन के नाम से ये एप्लीकेशन आपको प्ले स्टोर पर मिल जाएगी या फिर इसकी लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ से भी आप इसको डाउनलोड कर लेना। सबसे पहले इस तरह से इंटरफेस आपके सामने आएगा, यहाँ पे आपको इसक पे क्लिक करना है और आप जिस भी लैंग्वेज में एप्लीकेशन को यूज करना चाहते हो वो आपको यहाँ से सेलेक्ट कर लेनी है। जैसे मैं यहाँ पे इंग्लिश सेलेक्ट कर लेता हूँ, आप जो भी पंजाबी, हिंदी, मराठी, जिस भी भाषा में आप इसको यूज करना चाहते हो वो यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है। आपको यहाँ पर कंटिन्यू कर लेना, उसके बाद इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा, यहाँ पे आपको ओके पे क्लिक कर देना है। ओके पे क्लिक करोगे इस तरह का इंटरफेस आएगा, यहाँ पे आपको गाड़ी का नंबर डालने को बोला जाएगा। तो आपको यहाँ पे वाहन का रजिस्ट्रेशन नंबर डाल लेना है, जैसे मैं यहाँ पे डाल देता हूँ RJ34, कुछ भी यहाँ पर मैं डाल देता हूँ SF। उसके बाद आपको यहाँ पे सर्च पे क्लिक करना है, जैसे आप सर्च पे क्लिक करोगे यहाँ पे आपको ये लॉगिन करने को बोलेगा, इसके लिए आपको यहाँ पे यस पे क्लिक कर देना है और यहाँ पे आपको अपना मोबाइल नंबर डाल लेना है। तो मैं यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर डाल लेता हूँ, जैसे मैंने मेरा मोबाइल नंबर यहाँ पर एंटर कर लिया है, इसके बाद मैं यहाँ पर कंटिन्यू कर लूँगा। इसके बाद ओके करना है, आपके नंबर पर एक OTP भेजा जाएगा, वो OTP आपको यहाँ पर डालना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे फिर से नंबर यहाँ पे लगा लेता हूँ। आई एग्री इस पे चेक बॉक्स पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे क्लिक करना है। अभी आपके नंबर पर एक OTP भेजा जाएगा, OTP यहाँ पे आ चुका है, तो मैं यहाँ पे OTP डाल लेता हूँ। तो मैंने यहाँ पे OTP को एंटर करके वेरीफाई कर लिया है। आप यहाँ पे अपना नाम डाल सकते हो, जैसे मैं चैनल का नाम डाल लेता हूँ यहाँ पे टेक्निकल मोहित। इसके बाद आपको यहाँ पे साइन अप पे क्लिक कर देना है, जैसे आप साइन अप पे क्लिक करोगे सेम इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा। अब यहाँ पे आपको अपने व्हीकल का रजिस्ट्रेशन नंबर डाल देना है, जैसे मैं यहाँ पर डाल देता हूँ। इसके बाद आपको यहाँ पे सर्च पे क्लिक कर देना है और यहाँ पे ओके कर देना है। जैसे आप यहाँ पे डालोगे सारी डिटेल्स आपके सामने आ जाएगी, गाड़ी का नंबर, गाड़ी कौन सी कंपनी की है, ओनर का नाम यहाँ पे आ जाएगा, रजिस्ट्रिंग अथॉरिटी, यहाँ पे DTO, RC स्टेटस, फ्यूल टाइप, सब कुछ आपको यहाँ पे दिखा देगा, व्हीकल एज यहाँ पे दिखा देगा, रजिस्ट्रेशन ईयर, फिटनेस वैलिड। और दोस्तों अगर आपको जानना है इसका कभी चालान हुआ है या नहीं हुआ है तो आपको यहाँ पे व्यू चालान पे क्लिक करना है। आपको यहाँ पे 34 नंबर इंजन नंबर डाल के यहाँ पे वेरीफाई कर लेना है और यहाँ पे आप चालान स्टेटस भी आसानी से निकाल सकते हो। इसके अलावा दोस्तों आप यहाँ पे DL डैशबोर्ड भी आप यहाँ पर जान सकते हो, यहाँ पर आपको अपना DL नंबर डालना है और उसके डिटेल्स भी आप यहाँ पर निकाल सकते हो। तो इस तरह से दोस्तों इस एप्लीकेशन की मदद से आप किसी भी गाड़ी की जानकारी आसानी से निकाल सकते हो। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो बहुत पसंद आएगा। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर से प्रेस करना। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, गुड बाय।